हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। टीवी पर एक फिल्म अक्सर आती रहती है, सुपरहिट इंदिरा द टाइगर। इस फिल्म में एक लड़की होती है जो मुकेश ऋषि की बहन बनी होती है और चिरंजीवी से जबरदस्ती शादी करना चाहती है। वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस आरती अग्रवाल हुआ करती थी। अमेरिका में पली बड़ी वो लड़की जिसको बॉलीवुड में लाने वाले स्टार सुनील शेट्टी थे। वो अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड से शुरुआत की लेकिन साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई थी। वो हीरोइन जिसकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां फीकी पड़ जाया करती। क्या आपको पता है, इतनी बड़ी हीरोइन की एक बेवकूफी उसका काल बन गई थी। जी हाँ, आरती अग्रवाल को डॉक्टर मना करते रहे लेकिन वो नहीं मानी, जिसका अंजाम 31 साल में दर्दनाक मौत बन गया। आखिर क्या था वो बेवकूफी भरा फैसला जो जवानी में इस सुपरस्टार के दर्दनाक अंत का कारण बन गया। चलिए हम आरती के अमेरिका से बॉलीवुड आने और उसकी मौत की पूरी दास्तां सुनाते हैं। वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने जा रहा है। इंदिरा द टाइगर फिल्म तो टीवी पर हर किसी ने देखी होगी। फिल्म में सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती पर जो भारी पड़ गई थी वो दूसरी अभिनेत्री आरती अग्रवाल थी। गुंडों की बहन का किरदार, शानदार अदाकारी और चिरंजीवी को हर कीमत पर पाने की चाहत ने आरती को यादगार बना दिया था। मगर क्या आपको पता है, आरती तो भारत में पैदा ही नहीं हुई थी, वो तो अमेरिका से आई थी। कैसे, चलिए पूरा किस्सा सुनाते हैं। आरती 5 मार्च 1984 को अमेरिका में पैदा हुई थी। माँ बाप और छोटी बहन अदिति अग्रवाल के साथ न्यू जर्सी में रहा करती। अदिति भी हीरोइन है और साउथ फिल्मों में आपने देखा होगा। खैर, आरती को बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था। कहीं भी डांस प्रोग्राम होता वो पहुंच जाती। क्या पता था एक दिन किसी खास की नजर पड़ जाएगी। फिर एक दिन पड़ ही गई। साल होगा 1998 या 99। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक डांस शो हो रहा था। आरती ने भी उस शो में भाग लिया। 14 साल के आसपास की उम्र लेकिन गजब की खूबसूरत और डांस भी बेमिसाल। नसीब देखिए, उस दिन वहां शो में भारत के बड़े स्टार सुनील शेट्टी भी आए हुए थे। डांस चल रहा था, अचानक आरती स्टेज पर आई और डांस शुरू किया तो सुनील शेट्टी तो हैरान रह गए। अमेरिका में कौन है ये इंडियन दिखने वाली खूबसूरत लड़की जो इतना गजब का नृत्य कर रही थी। शो के बाद सीधा पहुंच गए आरती के पिता के पास और बोले, आपको पता नहीं होगा, आपकी बेटी बॉलीवुड में धमाल कर सकती है, इसको हिंदी फिल्मों के लिए तैयार करिए। बस आरती को एक सीढ़ी मिल गई सुनील शेट्टी के रूप में और थोड़ी एक्टिंग सीख कर वो चली आई भारत। 90 के दशक में सुनील का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। सुनील ने नए प्रोजेक्ट की खोजबीन की तो पता लगा कि मशहूर एक्टर तेज सप्रू के भांजे को लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी। हीरोइन के लिए नए चेहरे की तलाश भी जारी थी। सुनील शेट्टी की मदद से आरती अग्रवाल को फिल्म में एक्टर करण नाथ के साथ लीड हीरोइन बना दिया गया। साल 2001 में फिल्म आई पागलपन। फिल्म भले ही बहुत न चली लेकिन आरती को एक फायदा जरूर दे गई। पहली ही फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग देखकर साउथ इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स खासे प्रभावित हो गए। आरती अग्रवाल की तो जैसे लॉटरी निकल आई। वेंकटेश जैसे हीरो के साथ पहली तेलुगु फिल्म मिल गई। फिल्म खूब चली तो आरती का करियर दौड़ने लगा। फिर तो साल 2002 में एक साथ 5 फिल्में आ गई। इनमें जिस फिल्म ने आरती को बड़ी हीरोइन बना दिया वो फिल्म थी इंदिरा द टाइगर। चिरंजीवी के साथ स्नेहलता रेड्डी के किरदार में ऐसा दमदार अभिनय किया
की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम कर लिया। अमेरिका से आई इस लड़की ने न जाने लोगों पर क्या जादू कर दिया था कि जिस फिल्म में हीरोइन बनकर आती वही सुपरहिट हो जाया करती। आरती को साउथ के सुपर स्टार्स के साथ फिल्म में मिलने लगी। महेश बाबू, नागार्जुन, रवि तेजा, जूनियर एनटीआर से लेकर प्रभास जैसे हीरो के साथ उनको काम मिलने लगा। कुछ ही समय में बड़ी स्टार बन गई तो बॉलीवुड से फिर से बुलावा आने लगा। एक से बड़े एक फिल्म मेकर्स इनकी डेट्स लेने के लिए लाइन लगाने लगे। पैसों की बरसात होने लगी। हैदराबाद के सबसे महंगे इलाके बंजारा हिल्स में घर ले लिया। BMW, मर्सिडीज, ऑडी से लेकर बड़े बड़े ब्रांड की आलीशान गाड़ियों से घूमने लगी। शोहरत ऐसी हो गई कि वहां की टॉप हीरोइनों में गिनती हुआ करती। मगर फिर एक दिन न जाने किसकी नजर लगी और एक एक करके सब बर्बाद हो गया। आरती की बर्बादी शुरू हुई साल 2005 में। अभिनेत्री और उनके साथ काम करने वाले हीरो तरुण के बीच अफेयर था। कहते हैं तरुण ने उनको धोखा दे दिया था, जिससे आरती इतनी टूट गई थी कि उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त करने की कोशिश कर ली थी। अपोलो अस्पताल में बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। फिर साल 2006 में खबर आई कि वो अपने घर की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गईं। बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टरों ने सिर का इमरजेंसी ऑपरेशन किया था और कई दिनों तक वेंटिलेटर के सहारे मौत से जंग लड़ते रहीं। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद वो कोमा से बाहर आईं। अगले ही साल वर्ष 2007 में शादी कर ली। वो शादी भी 2 साल में ही टूट गई। पहले जीवन खत्म करने की कोशिश, फिर एक्सीडेंट से कोमा और फिर तलाक ने आरती को डिप्रेशन से भर डाला। इतने हादसे हो गए थे कि बहुत सी दवाइयां खानी पड़ती जिनके साइड इफेक्ट शुरू हो गए और आरती का वजन बढ़ना शुरू हो गया और मोटापे ने घेर लिया। इधर मोटापा आया तो अब फिल्मों के ऑफर कम होने लगे। नई नई दुबली पतली हीरोइनें उनके सामने ही उनसे आगे निकलने लगी। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर अब आरती को पतला होने का भूत सवार हो गया। इसी पागलपन में उन्होंने एक बेवकूफी भरा फैसला कर लिया, शॉर्टकट से पतला होने का। हुआ ये कि एक्ट्रेस किसी भी हालत में दुबला होना चाहती थी तो वो हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर के पास पहुंची और लिपोसक्शन सर्जरी की जिद करने लगी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता लगा कि त्वचा के नीचे तो फैट ही नहीं था। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया और बोले कि यह सर्जरी खतरनाक हो सकती है, मगर आरती पर मोटापे को दूर करने का भूत सवार था। साल 2015 में वो सीधा चली गई अमेरिका, जहां उन्होंने सर्जरी से फैट हटवाने की जिद पूरी कर ली। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उसी दिन से हालत खराब होने लगी। उनके फेफड़े में समस्या हो गई और उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी। दिन बीतने के साथ ही ये समस्या बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में हालत ऐसी हो गई कि आरती के शरीर में ऑक्सीजन जानी ही कम होने लगी और हार्ट पर दबाव बहुत बढ़ने लगा। उनको न्यू जर्सी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका एक और ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही थी। इसी बीच 6 जून 2015 के दिन अचानक अभिनेत्री के दिल पर इतना दबाव पड़ा कि उनका हार्ट फेल हो गया और बस 31 साल की आरती अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए एक बेवकूफी भरा फैसला एक बेजोड़ अभिनेत्री का काल बन गया। दोस्तों, क्या आप आरती अग्रवाल को पहचानते हैं? अगर हाँ तो क्या आपने इनकी कोई फिल्म देखी थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।